इतनी देर तक फॉलो दोज गाइडलाइंस ओके एंड टेल योर एल्डर्स ऑल्सो अबाउट दैट. अब किस तरह से वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बैलेंस एंड डिसिप्लिन. हम डिसिप्लिन क्रिएट करना चाह रहे हैं. अशोक जी ने भी बताया यहाँ 3500 जो हमारे पास है ऑटोस है अंबाला जिले में, ये पूरे प्रदेश के हेड है. तो गुड़गांव में 7000 है, 70,000 माई गुडनेस. तो आप लोगों की बहुत मदद नॉर्मल जनता को रहती है, कॉमन इंसान को रहती है, बट कुछ रूल्स दायरे हैं जो टू यू व्हाट ऑल वी कैन डू टू मेंटेन द बैलेंस. थैंक यू. गुड मॉर्निंग बच्चों और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ये इंडिया में क्रिकेटर्स को जानते हो आप लोग? विराट कोहली को जानते हो? तो ये जोगिंदर शर्मा जी हैं जिन्होंने इंडिया खेला है और वर्ल्ड कप जीता है. तो यू आर वेरी लकी टू मीट हिम टुडे. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन. थैंक यू रिस्पेक्टेड मैम. और जितने भी यहाँ पर हमारे ऑटो एसोसिएशन से और जितने भी मंच पर हमारे माने और हमारे पुलिस माला सिटी के SHO राम कुमार जी प्रधान जी और आप लोगों ने जो इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. और कुछ एक बातें हैं जो हम लोग जैसे हम लोग शहर में जाते हैं और गांव में घूमते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम फेस करते हैं और उनको देखते हुए फिर हम बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. ऐसा ही आज का जो दिन है कि हमको पता है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है. वो हर तरीके से पोल्यूशन हो सकता है, चाहे नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ये चीज़ें होती हैं. मैडम ने आप लोगों को बताया भी कि भी अगर तिवारी जी ने ही बताया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपको कोई परेशान करता है तो आपको कौन सा नंबर डायल करना है? 112. ठीक है. और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ आप ही ये चीजें अपने पास ना रखना जो हम बातें कर रहे हैं, जो आज चीज सीख के जा रहे हैं. हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, पापा हैं या और कोई रिश्तेदार है उनको बताएं, एटलीस्ट उनके नॉलेज में डालें. मैं ये नहीं कहता कि वो 100% वो जो आपकी बातें सुनेंगे. जब वो गाड़ी चलाएंगे उनको कहना कि डैडी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, हेलमेट पहनो क्योंकि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रही हूँ. ठीक है. ताकि वो जब बाइक चलाएं या गाड़ी चलाएं उनको पता होना चाहिए कि हमारा घर पे कोई वेट कर रहा है, कि डैडी आपके बगैर हमारे पास नहीं है कुछ, तो आप सेफ तो हम सब सेफ हैं. ठीक है. दूसरी बात, सब लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं कि कोई दिक्कत आती है तो 112 पे डायल कर दो, 1098 पे डायल कर दो. तुम भी पुलिस हो, तुम सब DSP हो, तुम सब SHO, तुम सब बहुत मतलब अपने आप की जो ताकत है वो पहचानो. खुद की हेल्प खुद करना है, कभी मत सोचो कि वो मेरी हेल्प करेगा. वो हेल्प तरीके अलग हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं या मैं फिजिकली उसको नहीं फेस कर सकती तो 112 डायल कर देती हूँ. लेकिन उसके लिए खुद से स्ट्रॉन्ग होना, डरना नहीं. जो मैडम कह रहे हैं ना, अगर आप डर गए तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि नहीं? एग्जाम में जब पता लगता है यार ये क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल है, टफ है, और हो सकता है कि आप सोचो ये क्वेश्चन था, ये एक दिन मैडम ने पढ़ा, कुछ तो लिखोगे आप, अगर डर जाओगे तो क्या करोगे? यही सेम थिंग है. अगर कोई भी दिक्कत आती है डरना नहीं है, उसको फेस करना है. ठीक है. दूसरा, ऑटो वाले बंधु हैं हमारे, मैं और प्रधान जी, इन सब लोगों से हम लोगों की मीटिंग भी हुई है, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अलग अलग शहरों में रहा हूँ मैम, तो कई बार घटनाएं घटती हैं, ऑटो में भी घटती हैं और ऑटो वालों के साथ भी घटती है. तो उससे हम लोगों को जो हमने मीटिंग की है कि मैम हर एक ऑटो पे हम लोग सीरियल नंबर लगा देंगे. हम लोग सीरियल नंबर लगाने के बाद उन लोगों की जो लिस्ट होगी प्रधान जी से हम लोग ले लेंगे
कल को अगर किसी भी ऑटो के साथ कोई वारदात होती है या ऑटो के माध्यम से होती है तो हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जो नंबर लिखेंगे हम वो इस तरीके से लिखेंगे कि विजिबल रहे, दूर से थोड़ा विजिबल रहे। दूसरी बात, हम लोग और कुछ दो तीन महीने हम लोगों ने प्लान किया है कि जैसे रूट का है कि नंबर के हिसाब से रूट लगा दे कि इस रूट पे सिर्फ ये नंबर वाले चलेंगे, इस रूट पे ये नंबर, उससे हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा इजी रहेगा, हम लोगों को कहीं भीड़ नहीं लगेगी। दूसरा, फिर हमारे ऑटो वाले भाई एक दूसरे के मतलब कंपटीशन में जाते हैं, वो भी थोड़ा हम लोगों को कम देखने को मिलेगा सब लोगों को, और जो पब्लिक होगी उसको भी आइडिया होगा कि इस नंबर से इस नंबर वाले जो ऑटो हो हम लोगों को वहां मिलेंगे और वो उस रूट पे चलेंगे। भाई हैं, बड़े भाई हैं, पापा हैं या और कोई रिश्तेदार है, उनको बताएं, एटलीस्ट उनकी नॉलेज में डालें। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% वो जो आपकी बातें सुनेंगे उस पे अमल करेंगे, लेकिन ये है कहीं ना कहीं जब वो गाड़ी चलाएंगे उनको कहना कि डैडी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, हेलमेट पहनो क्योंकि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रही हूँ, ठीक है। ताकि वो जब बाइक चलाएं या गाड़ी चलाएं उनको पता होना चाहिए कि हमारा घर पे कोई वेट कर रहा है, कि डैडी आपके बगैर हमारे पास नहीं है कुछ, तो आप सेफ तो हम सब सेफ हैं, ठीक है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? दूसरी बात, बता दिया सर, ये सबको बताएंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे, अपने रिलेटिव्स को भी बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग सब लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं कि कोई दिक्कत आती है तो 112 पे डायल कर दो, 1098 पे डायल कर दो। तुम भी पुलिस हो, तुम सब DSP हो, तुम सब SH हो, तुम सब बहुत मतलब अपने आप की जो ताकत है वो पहचानो। खुद की हेल्प खुद करना है, कभी मैं सोचो कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो हेल्प तरीके अलग हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं या मैं फिजिकली उसको नहीं फेस कर सकती तो 112 डायल कर दे तू, लेकिन उसके ये नंबर वाले चलेंगे, इस रूट पे ये नंबर, उससे हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा इजी रहेगा हम लोगों को, कहीं भीड़ नहीं लगेगी। दूसरा, फिर हमारे ऑटो वाले भाई एक दूसरे के मतलब कंपटीशन में रहते हैं, वो भी थोड़ा हम लोगों को कम देखने को मिलेगा सब लोगों को, और जो पब्लिक होगी उसको भी आइडिया होगा कि इस नंबर से इस नंबर वाले जो ऑटो वो हम लोगों को वहाँ मिलेंगे और वो उस रूट पे चलेंगे। तीसरी बात ये कि हम लोग देखते हैं, तमाम देखने में आया कि जो ट्रैफिक रूल्स है उसको हम फॉलो नहीं करते। मैं स्पेशली हमारे ऑटो वालों को नहीं कह रहा हूँ, और बाकी जितने भी हम जो चालक हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं जिसके कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे देश में लगभग 1.5 लाख के आसपास एक्सीडेंट के कारण जाने जाती है, और हरियाणा में लगभग 4,500 और 5,000 के बीच में, और उसमें मैक्सिमम जो एक्सीडेंट में जान जाती है वो या तो हेड इंजरी से जाती है या बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो तो उसमें तो क्या कर सकते हैं, सीट बेल्ट नहीं होती है। आजकल तो गाड़ियों में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जैसे एयर बैग है, लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे तो एयर बैग नहीं खुलेगा। तो दोबारा से मैं आप लोगों को, बच्चों को एक छोटी सी ये बात भी कहूँगा कि बाइक पे अगर आपके बड़े भाई, फादर या कोई रिलेटिव जाते हैं, चाचा है या काया है, दादा भी है और भी कोई बाइक चलाता है, उसको कहो कि बिना हेलमेट के ना चलाए। गाड़ी में आप बैठते हो, पापा चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं और कोई चला रहे हैं, तो उनको कहो कि सीट बेल्ट बांधे और आप खुद भी बांधे, ठीक है बच्चों। तो सब लोग जो ट्रैफिक के रूल्स है, आई होप कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे, और जो हमारा अम्बाला का ट्रैफिक सिस्टम है उसको और बेहतर करेंगे। बाकी अभी हमारी प्रधान जी ने कुछ टाइम मांगा हम लोगों को, जो हम लोगों ने कुछ डिस्कशन की थी, दोबारा से जल्द से मीटिंग करेंगे, और आपके जो सुझाव है वो भी हम लोगों को मिलते रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग भी स्कूल आना जाना रहता है या ऑटो आप लोग चलाते रहते हैं। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप ट्रैफिक को लेके ही हम लोगों को बताएं, आपके सामने कोई भी दिक्कत आती है, देखा भी है मैंने। मैं बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ कि नशे का जो है मैम, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो क्राइम हम लोगों का बढ़ रहा है, तो बच्चों नशे से दूर रहना, नशा बहुत ख़राब चीज़ होता है, ठीक है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या भाई वगैरह हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएं, जो तिवारी जी ने कहा है
मैं स्पेशली ये हम लोग ये नहीं है कि आप पोल्यूशन के बारे में या ट्रैफिक के बारे में बताएं, आपके सामने कोई भी अगर दिक्कत आती है जिससे कि भी आपके फैमिली में दिक्कत आ रही है या आपके फ्रेंड सर्कल में दिक्कत आ रही है, आप उस पेटी में हम लोगों को कुछ भी अपना बताएं। ये कैंप हमारे आदरणीय CGM मैडम शुभदा प्रीतम जी और हमारे DSP जोगिंदर शर्मा जी और हमारे SHO राम कुमार जी के आदेशानुसार यहाँ पोल्यूशन डे आज लगाया गया। हमारे बीच में स्कूल के अनेकों बच्चे भी आए जिन्होंने अपने तरीके से हमें अवेयरनेस किया, समझाया कि पोल्यूशन को ट्रैफिक को नियम को कैसे फॉलो करना है और आगे आगे कैसे बताना है। आदेश भी किए DSP साहब ने, हमारी बात भी हुई, पर हमारी जो बातें हैं अगली मीटिंग रख दी है, बैठकर विचार किया जाएगा। नंबर सिस्टम करने हैं चालू, नंबर सिस्टम लगवा दिए जाएंगे और नंबर सिस्टम लगने भी चाहिए। मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ इस विषय में, क्योंकि ऑटो है चाहे ई रिक्शा है चाहे कोई भी कल है, जिसके ऊपर नंबर ही नहीं है वो सड़क पर नहीं चलना चाहिए। इस बात पर मैं सरकार के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। यही बातें आज हुई हैं। ऑटो रिक्शा वाले सारे हमारे सब स्टैंडों से लोग आए हुए हैं, हमारे वैन एसोसिएशन के प्रधान अमन जी कैंट से आए हुए हैं, टोटली हमारे साथी हर स्टैंड से सारे प्रधान जितने भी हैं आज बस स्टैंड पे सारे इकट्ठे हैं और इसी विषय पे लगातार बात जारी है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज जो मीटिंग हुई है हमारे सारे साथी मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं प्रशासन को जबान दी है, मैं प्रशासन का सहयोग करूँगा और उनका सहयोग लूँगा भी।